नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 27 अक्टूबर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अब बिहार की 25 बड़ी खबरों को। दिवाली के दिन को भगवान भास्कर का दिन कहा जाता है। इस दिन चित्रा नक्षत्र के साथ अमावस्या का संयोग लगभग 37 साल बाद बन रहा है। आज के दिन माँ काली की आराधना भी की जाती है। ज्योतिषाचार्य और पंडितों का कहना है कि कार्तिक माह में इस साल की सबसे अंधेरी रात को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़के, भगवान गणेश को धूप घास और माँ लक्ष्मी को कमल की पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये वस्तुएं दोनों देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिय है। सेंट्रल रेलवे भर्ती ने मध्य रेलवे के 206 पदों पर निकाली रिक्तियां। मध्य रेलवे की 206 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार मध्य रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.cr.indianrailways.gov.in पर जाकर दिए गए अधिसूचना को पढ़कर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 8 नवंबर है। पटना में अब रोज 57 विमानों का परिचालन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट द्वारा जारी शेड्यूल में इस बात की जानकारी मिली है। जारी शेड्यूल के अनुसार पटना से दिल्ली के लिए सर्वाधिक 23 विमानों का परिचालन की घोषणा की गई है। वहीं पटना से अब दिल्ली के लिए विस्टार एयरलाइंस की भी दो उड़ानें शुरू करने की घोषणा की गई है। नए शेड्यूल के अनुसार इंडिगो की 23, स्पाइसजेट की 14, गो एयर की 12, एयर इंडिया की 6 व विस्टारा की 2 उड़ानें रखी गई हैं। तख्त श्री हरि मंदिर को सजाया जाएगा लगभग 11,000 दियों से। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में इस साल इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाएगी, जिसके तहत तख्त श्री हरि मंदिर को 11,000 दियों से सजाया जाएगा। तख्त श्री हरि मंदिर के प्रबंधक समिति के महासचिव सरदार MPS ढिल्लों और सचिव सरदार MS छाबरा ने इस बात की जानकारी दी। बिहार में राजद की बैठक हुई संपन्न, तेजस्वी रहे गायब। सांगठनिक चुनाव को लेकर राजद ने राबड़ी आवास पर पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक की। आयोजित बैठक में राबड़ी देवी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सिमरी बख्तियारपुर के नव निर्वाचित राजद विधायक जफर आलम भी पहुंचे। बैठक के बाद सियासी गलियारे में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं पार्टी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बैठक से गायब रहे। उनकी गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी ने बैठक की कमान संभाली। राजकीय गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन होगा मधेपुरा में। मधेपुरा के गौशाला परिसर में गोपाष्टमी महोत्सव में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इसी पर NDC रजनीश कुमार ने बताया कि महोत्सव के लिए बजट के अनुसार अलग अलग कलाकारों से हमने संपर्क किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से पूर्णिमा श्रेष्ठ, सपना अवस्थी और कानपुर की राधा कृष्ण झाकी के साथ मैथिली ठाकुर, विनोद गवार और नालंदा संगीत अकेडमी के आने पर सहमति दे दी है। VIP के लिए अब सभी जिलों में होगा स्थायी हेलीपैड। बिहार में VIP कैटेगरी के लोगों पर राज्य सरकार मेहरबान है। VIP लोगों के मद्देनजर बिहार सरकार ने अब सभी जिलों में पक्का स्थायी हेलीपैड निर्माण करने पर फैसला किया है। इस बाबत भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने राज्य के सभी DM को हेलीपैड के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने को लेकर निर्देश दिया है। वहीं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि VVIP के भ्रमण के दौरान अस्थायी रूप से हेलीपैड का निर्माण किया जाता है और कार्यक्रम के बाद उसे वहां से हटा दिया जाता है, जिसमें पैसे का खर्च ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हेलीपैड को स्थायी रूप से बनाना ही सही होगा। YouTube से सीखकर खुद से मोमबत्तियां बना रही हैं महिलाएं। दिवाली के पर्व पर बाजार में दीपक और मोमबत्ती की मांग आसमान छू रही होती है। हर कोई अपने घर को सजाने के लिए दिए और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मोमबत्तियों की मांग को देखते हुए कटिहार की इन महिलाओं ने YouTube के माध्यम से मोमबत्ती बनाने का तरीका सीखा और आज ये महिलाएं अपने अपने घरों को खुद से बनाई गई मोमबत्तियों से रोशन कर रही हैं। इन महिलाओं द्वारा बनाई जा रही इन मोमबत्तियों को दीदी की मोमबत्तियों के नाम से जाना जाता है। राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी 10 दिसंबर को। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पटना में राजद की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों और जिलाध्यक्षों की बैठक का आयोजन भी किया गया था। बालूघाटों की बंदोबस्ती पर NGT ने लगाई रोक। बिहार में बालूघाटों की बंदोबस्ती पर NGT ने पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहरा ने सभी DM को NGT के आदेश के पश्चात इस संबंध में आदेश जारी किया है। ज्ञात हो बिहार के 11 जिलों यानी कि पटना, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर व जहानाबाद में बालूघाटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उपचुनाव में मिली हार पर बोले VIP प्रमुख मुकेश सैनी। बिहार में विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव पर महागठबंधन के कुछ दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके पश्चात 2 सीटों पर महागठबंधन में शामिल हम और VIP ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन अकेले लड़ने का फैसला उन्हीं पर भारी पड़ा। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी पर VIP प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा है कि चुनाव में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महज 1 साल पुरानी VIP पार्टी में जनता का विश्वास जागा है।
दिवाली पर रामकृपाल यादव ने कुम्हार के घर जाकर खरीदे दिए। पटना के पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने सुबह सुबह एक कुम्हार के घर पहुंचकर वहां से दिवाली के लिए दियों की खरीदारी की। खरीदारी के बाद रामकृपाल यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिवाली के अवसर पर सभी को मिट्टी के दिए खरीदने चाहिए, कुम्हार के घर भी चूल्हा जले, इसके बारे में हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने में हम सबको प्रधानमंत्री मोदी का साथ देना चाहिए। बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने निकाली छुट्टियों की सूची। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने 2020 में छुट्टियों की सूची निकाली है, जिसमें कुल मिलाकर 82 छुट्टियां होंगी। इस बाबत राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वर्ष 2020 के लिए अवकाश कैलेंडर की स्वीकृति दे दी है। इसमें सबसे लंबी छुट्टी 9 दिनों की छुट्टी दिवाली के लिए होगी। 24 से 31 दिसंबर 8 दिन की छुट्टियां फिर मिलेंगी। दुर्गा पूजा के 5 दिनों की छुट्टी रहेगी। होली पर 3 दिनों की छुट्टी, वहीं 1 जनवरी को नववर्ष तथा 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी रहेगी। नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला दिवाली के पहले वेतन। बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिवाली से पहले वेतन भुगतान का सपना महज सपना ही रह गया। अब शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर के महाजन ने छठ से पहले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का फैसला सुनाया है। नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की, जिसके पश्चात आर के महाजन ने शिक्षा निदेशक को छठ से पहले जुलाई में अब तक का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। गांव का उत्थान सिर्फ पूर्ण वित्तीय समावेशन से संभव, रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधान डाकघर पहुंचकर महात्मा गांधी से जुड़ी पुरानी तस्वीरों का जायजा लिया। साथ ही साथ महात्मा गांधी के 150वें वर्षगांठ पर उपलब्ध डाक टिकटों के संग्रह का भी मुआयना किया। डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने GPO में 5,000 रूपए से अपना बचत खाता खुलवाया और QR कोड भी प्राप्त किया, जिसके पश्चात रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांव के हर व्यक्ति को डाकघर से जोड़ने की हमारी पूरी कोशिश है। राज्य विद्यालय बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गया बना ओवरऑल चैंपियन। सबसे ज्यादा 45 अंकों के साथ राज्य विद्यालय बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गया की टीम ओवरऑल चैंपियन बन गई। वहीं मुजफ्फरपुर एवं जमुई की टीम 25-25 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही। ज्ञात हो इस प्रतियोगिता का आयोजन पंडित नेहरू स्टेडियम में किया गया था, जिसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ हो गया। मेजबान मुजफ्फरपुर के जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, अनिल कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार, जय नारायण कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ व्रतियों की सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ व्रतियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा के छठ घाटों पर छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इस बाबत पदाधिकारियों को निर्देश दिया। छठ के दौरान घाटों पर आने जाने वाले रास्ते सही ढंग से बने हो, साथ ही साथ रोशनी का पूरा प्रबंध हो, साथ ही साथ सबकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। अधिकारी सभी चीजों पर ध्यान दे और बेहतर व्यवस्था का इंतजाम घाटों पर करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने छठ के मद्देनजर स्टीमर से दानापुर के नासरीगंज से पटना सिटी के कंगन घाट तक गंगा के घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता का निरीक्षण किया। 6 जिलों में बनाई जाएंगी 4 मंजिला SC/ST थाना। राज्य के 6 जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति थाना के लिए 4 मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इस नव निर्मित भवनों में पुलिस के रहने के लिए बैरक और आवास के अलावा तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें, SC/ST सह महिला थाना के लिए भवन निर्माण शेखपुरा, मधुबनी, रोहतास, सहरसा, सारण और किशनगंज जिलों में होगा। दिल्ली से पुरस्कृत मुखिया का मंत्रियों ने किया सम्मानित। केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत से बिहार के 3 मुखिया को नवाजा है, जिसमें जहानाबाद के धनराई पंचायत के मुखिया अजय सिंह को तीनों सेगमेंट में पुरस्कार मिला है। बिहार के मुखिया को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने पर पंचायती मंत्री फूले नहीं समा रहे। सारण जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। सारण जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूले। चिरांत, गौतम स्थान, आमी, ढोड आश्रम, शिरोढ़ी मंदिर, हरिनाथ मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना पाटलिपुत्र से सारण जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 3 घंटे का ही सफर करना होगा। पटना घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे रविशंकर प्रसाद। बिहार में छठ की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। छठ को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी घाटों का निरीक्षण करने गंगा घाट पहुंचे, जिसकी जानकारी रविशंकर प्रसाद ने खुद अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट से गंगा घाट की कुछ तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें वह कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2023 तक नेपाल से बिजली आपूर्ति की होगी शुरुआत। बिहार में जल्द ही बिजली की समस्या से मिलेगी निजात। हिमाचल और केंद्र सरकार की योजना से अब बिहार सहित अन्य राज्यों में बिजली की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकेगा। साल 2022-23 तक नेपाल से बिजली सप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो, SJVN के नेपाल के निर्माणाधीन 900 मेगावाट की जल बिजली परियोजना से बिजली आएगी।
अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में धूप के साथ बादलों का आना जाना लगा रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। एक बार फिर SMS की हो सकती है वापसी। स्मार्टफोन और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के आने से पहले यूजर्स SMS का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब WhatsApp के माध्यम से लोग अपने परिवार से कनेक्ट रहते हैं। अमेरिका की चार बड़ी कंपनियां AT&T, स्प्रिंट, टी मोबाइल, वेरिजॉन ने SMS को वापस लाने के लिए पार्टनरशिप कर ली है, जिससे कि अब मैसेज को रिसीव करने के लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई का इस्तेमाल होगा। माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक यह सर्विस एंड्रॉइड डिवाइस में शुरू हो जाएगी। धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी। धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ से हर ओर जाम ही जाम देखने को मिला। इस साल धनतेरस में सामान्य खरीदारी तो हुई, महंगी खरीदारी भी जोर शोर से हुई। 90 लाख रुपए की कार, 15 लाख रुपए का हार भी बिका। धनतेरस में कार, बाइक, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, रियल एस्टेट, बर्तन और फर्नीचर जैसे प्रमुख 8 सेक्टर में बिहार में 2250 करोड़ रुपए, पटना में लगभग 760 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।